हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक हम देख रहे हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इलेवंथ का सिलेबस और इलेवंथ का केमिस्ट्री देख रहे स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर सेवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसका लेक्चर नंबर सिक्स लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया थी पीरियोडिक ट्रेंड्स जो इलिमेंटल प्रॉपर्टीज थे तो लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टी देखे थे न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका आज ना पार्ट नंबर टू है आज हमें देखना है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें देखना है एटॉमिक रेडिया क्या होती है वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी आयोनिक रेडियस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथेल्पी क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आयोनाइजेशन एन्थेल्पी पे उसके बाद हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी को टोटल पाँच प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करने और उस उसपे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने तो चलो स्टार्ट करते हैं पीरियडिक ट्रेंड इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज पार्ट टू आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर है सिक्स चैप्टर नंबर चल रहा है सेवन मॉडर्न पीरियडिक टेबल विथ भीएम एकेडमी नासिक चलो आज के लेक्चर में हमें देखते हैं पीरियडिक ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें कितने देखने हैं पीरियोडिक टेबल के लिए तो हमें पांच फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने हैं एटोमिक रेडियस आयोनिक रेडियस आयोनाइजेशन इन इलेक्ट्रॉन गेन इन थेल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ये पांचों भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक है बच्चों तो मे भी हो सकता है इसे मुझे दो इसके दो सेक्शन बनाने पड़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के तो ये जो पांच प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर सकती हूँ अगर हो सके तो एक लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी लेकिन मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मे भी हो सकता है इसके दो पार्ट बने तो पहले पार्ट में कुछ प्रॉपर्टीज तीन प्रॉपर्टी और दूसरे पार्ट में दो प्रॉपर्टी ऐसा भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हमें देखनी है एटॉमिक रेडियस उसके बाद हम आयन कैसे फॉर्म होते हैं कैटैन क्या, क्या होते हैं एनैन क्या होते हैं उनके रेडियस क्या है वो सब कुछ हमें डिटेल में देखना है तो एटॉमिक रेडियस होती क्या है ये सबसे पहले हमें देखना है कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन एटॉमिक रेडियस तो एटॉमिक रेडियस से क्या हुँ? उसे क्या पहले समझ लो तो पहले हम मेटल के बारे में देखेंगे नॉन मेटल के बारे में देखेंगे और फिर इस डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ लेंगे सपोज एल्यूमिनियम मेटल है तो एल्यूमिनियम मेटल के ये जो दो एडजेसेंट क्या होंगे एटम्स होंगे इसका न्यूक्लियस यहाँ पे और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे ओके तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना हुआ इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक ये क्या इसे क्या कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है सपोज ये इलेवन था या ट्वेल्व था ऐसे समझो कि ट्वेल्व पिकोमीटर था ट्वेल्व पी था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स ऑफ मेटल एल्यूमिनियम मेटल तो इसका हमें क्या करना है वन हाफ करना है मतलब आपकी एटॉमिक रेडियस कितनी आएगी इसकी आधी होगी इसकी हाफ होगी सिक्स पिकोमीटर एक एग्जांपल है ऐसा नहीं होगा मतलब एल्यूमिनियम का इतना नहीं है तो एक एग्जांपल है कि क्या होता है वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम तो दो एडजेसेंट एटम है ये दोनों एक के बाद एक आ रहे तो एडजस्टेंट एटम है इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका क्या करना है वन हाफ करना है मतलब उसका आधा करोगे तो हमें क्या मिलेगा एटॉमिक रेडियस मिलेगी या ये तो हो गया किसके बीच में मेटल के बीच में जब दोनों एटम सेम होते हैं सपोज कोई नॉन मेटल है जो क्या है बॉन्डेड है सपोज एच एफ है हाइड्रोजन एंड फ्लोरिन ओके तो यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है यहाँ पे फ्लोरिन का न्यूक्लियस है तो ये हो गया इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये हाइड्रोजन है ये फ्लोरिन है ये मेटेलिक था एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऐसे हमने एग्जाम्पल पकड़ा था तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा सपोज ये था ट्वेंटी सपोज ट्वेंटी पीएम था पिकोमीटर तो इसका आपको क्या करना है वन हाफ करना है तो क्या हो जाएगा टेन पिकोमीटर मतलब दो एटम के बीच का दो एडजेंट एटम दो एडजस्टेंट एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उसे हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा एटॉमिक रेडियस मिलेगी इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेटेलिक रेडियस तो मेटेलिक रेडियस किसे कहेंगे तो मेटेलिक रेडियस में क्या आएगा इस डेफिनेशन में चेंज मेटेलिक रेडियस इज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट एटम्स ऑफ मेटल यहाँ तक कि आएगी इसे हम क्या कहेंगे मेटेलिक रेडियस कोवैलेंट रेडियस पूछे गए पूछे जाए तो क्या आएगा तो कोवैलेंट रेडियस क्या होती है या कि फिर कोवैलेंट बॉन्ड भी रेडियस कहा जाता है कोवैलेंट रेडियस मोस्टली कहा जाता है तो कोवैलेंट रेडियस क्या होगी वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट एटम्स ऑफ नॉन मेटल इनमें सिर्फ इनर्ट गैसेस इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते क्योंकि उनका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन स्टेबल है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए उनको छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल क्या करते कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते तो को दो को एडजेसेंट को जब भी दो एटम क्या होंगे बॉन्डेड होंगे सिंगल बॉन्ड से तो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे आधा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कोवैलेंट रेडियस विथ सुटेबल एग्जाम्पल ओके या वट इज मीन बाय कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एटम गिव अटेबल एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या लिख सकते हो तो अभी हम बात कर रहे कोवैलेंट रेडियस की मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की जो रेडियस होगी उसके बारे में बात कर रहे तो यहाँ पे देखो कोवैलेंट रेडियस क्या होगी तो कोवैलेंट में क्या होता है जो नॉन मेटल्स होते तो नॉन मेटल्स कोई भी ले सकते हो आप सपोज नॉन मेटल है कार्बन ओके okay, एक नॉन मेटल है कार्बन तो नॉन मेटल जो होते नॉन मेटल में सिर्फ नोबेल गैसेस को छोड़ दो वो क्या करते बॉन्ड फॉर्म करते विथ अदर बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरिन के बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और जब भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तब क्या होता है इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर होती है ओके तो इनके केस में क्या होगा जो बॉन्ड लेंथ होगी सिंगल बॉन्ड की इसे लिया जाता है फॉर द कोवेलेंट रेडियस तो सिंगल बॉन्ड को कंसिडर किया जाएगा इसे नहीं किसी एक ही बॉन्ड को क्या किया जाएगा कंसिडर किया जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड इज टेकन एज अ सम ऑफ रेडियन तो सिंगल बॉन्ड को क्या किया जाता है यहाँ पे सम के तौर पे लिया जाता है अब टू सिंगल बॉन्डेड एटम तो दो सिंगल बॉन्डेड एटम के बीच का तो इसे ही क्या कहा जाता है कोवैलेंट रेडियस एग्जाम्पल देखो सपोज कार्बन कार्बन एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी ऑलमोस्ट डायमंड में होता है ऐसा डायमंड पता है ना डायमंड अलोट्रॉप ऑफ कार्बन तो डायमंड में क्या होता है 150 पिकोमीटर होता है पिकोमीटर यूनिट है इसका ओके okay, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ हो गई यहाँ पे डायमंड में 154 क्या है पिकोमीटर ओके okay, तो क्या होगा यहाँ पे एटॉमिक रेडियस अगर हम कार्बन की पूछेंगे तो कितनी आएगी तो ये आएगी 154 डिवाइड बाय टू या फिर आपकी बुक में ऐसा दिया है 1 बाय टू इंटू वन दोनों का मीनिंग सेम है तो ये आंसर आएगा सेवेंटी सेवन पिको मीटर ये क्या हो गई इसकी कोवैलेंट रेडियस कोवैलेंट को, को, को या फिर एटॉमिक को तो ये हो गई कोवैलेंट रेडियस मतलब कोई भी रेडियस अगर आपको निकालनी है तो दो दो एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कर दो, दो से डिवाइड कर दो या उसका हाफ कर लो तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पे एटॉमिक रेडियस मिलेगी कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटेलिक एलिमेंट एस्टिमेटेड मतलब कैसे डिटरमाइन की जाती है कोई मेटेलिक एलिमेंट है सॉरी नॉन मेटेलिक एलिमेंट तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट में देखो सपोज़ ये आपके पास एक क्लोरीन है और ये दूसरा आपके पास एक क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन भी पता है ना सी एल टू क्या करते हैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है सी एल टू ओके तो ये क्लोरीन क्लोरीन है तो यहाँ पे मैं इससे क्या कर रही हूँ मिटा रही हूँ शेयरिंग पार्ट को तो यहाँ पे एक क्लोरीन का न्यूक्लियस था यहाँ पे एक क्लोरीन का न्यूक्लियस था ओके इनके बीच का डिस्टेंस सपोज था 198 पिकोमीटर सी एल टू में तो इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी क्या होगी एटॉमिक रेडियस 198 डिवाइड बाय 2 तो ये बन जाएगी 99 पिकोमीटर आ रहा है समझ में मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे दो से डिवाइड करो या उसका हाफ कर लो तो आपको क्या मिला मिलेगा यहाँ पे एटॉमिक रेडियस मिलेगी इसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है ऐसा क्वेश्चन है तो देखो क्या होगा द एटॉमिक साइज ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एस्टिमेटेड फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स बॉन्डेड टुगेदर तो जो होता है नॉन मेटल एलिमेंट उसका जो डिस्टेंस है दो एटम के बीच का वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक कितना डिस्टेंस है उसे और वो भी सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए कंसिडर किया जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं कोवैलेंट रेडियस कहते हैं ओके तो इंटर डिस्टेंस जो भी होगा डाय एटोमिक मोलिक्यूल का जैसे कि सी एल एलिमेंट है तो यहाँ पे ये यह को बॉन्ड लेंथ इसकी हो गई कितनी है यहाँ पे दी है 198 नाइन्टी एट पीकोमीटर तो हमें क्या करना है फॉर द एटोमिक रेडियस उसका क्या करना है हाफ करना है उसका हाफ मतलब आपको क्या मिल जाएगा एटोमिक रेडियस मिलेगा तो सी का एटोमिक सी का एटोमिक रेडियस कितना बन जाएगा 99 नाइन पीकोमीटर जबकि उसका बॉन्ड लेंथ कितना था बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड बॉन्ड लेंथ क्या होता है दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस उसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है तो बॉन्ड लेंथ का क्या हो गया है ये हाफ हो गया ऐसे क्या किया जाता है डिटरमाइन अभी कोवेलेंट रेडियस कैसे डिटरमाइन की जाती है नॉन मेटल के लिए वो तो देखा अभी मेटल का देखते सपोज कोई भी मेटल है हमें पता है मेटल्स क्या करते हैं मेटेलिक बॉन्ड से क्या करते अपने आ, एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड और उस बॉन्ड को क्या करते फॉर्म करते अभी मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होने के बहुत सारे रीजन है सपोज ये कोई मेटल है ऐसे समझ लो ये बेरेलियम मेटल है ओके बी ए, बेरेलियम मेटल है तो इसका जो न्यूक्लियस है यहां से लेकर यहां तक सबके लिए इक्वल होगा ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है टू टू, टू फोर पिकोमीटर, टू ट्वेंटी फोर क्या है यहाँ पे पिकोमीटर। ओके तो चलो इसे हमें एग्जाम्पल देखना है तो मेटल के केस में क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंट एटम दो एडजस्टेंट एटम का जो होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उसे क्या माना जाता है यहाँ पे मेटेलिक सैंपल के लिए उसे यूज़ किया जाता है तो इसका हाफ क्या होगा इसका हाफ होगा मेटेलिक रेडियस हमें मेटेलिक रेडियस को फाउंड फाइंड आउट करना है तो कितनी होगी इसकी टू ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय टू तो इसकी आएगी वन वन टू पिकोमीटर तो ऐसे क्या किया जाता है डिटरमाइन किया जाता है दो एडजस्टेंट एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसे दो से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा मेटेलिक रेडियस और एटम की सॉरी बॉन्ड के रेडियस भी वैसे ही होती है दो बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे दो से डिवाइड करो आपको क्या मिल जाएगी वहाँ पे कोवैलेंट रेडियस तो मेटेलिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस को ऐसे डिटरमाइन किया जाता है अभी हमें कंसेप्ट तो समझ में आई कि एटोमिक रेडियस क्या है अभी हमें देखना है कि इसका क्या इफेक्ट होगा एटोमिक साइज़ का इन द पीरियड एंड इन द ग्रुप तो चलो देखना है हमें एक ग्रुप एंड डाउन द सॉरी डाउन द ग्रुप एंड एक दीरियड इसका क्या इफेक्ट होता है तो चलो हमें हम अभी हमें पहले देखना है वेरिएशन ऑफ एटोमिक साइज डाउन द ग्रुप ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे हम टॉप टू बॉटम तो एटोमिक साइज कैसे वेरी होती है वो हमें देखना है ओके एज वी मूव डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर तो क्या होगा पीरियडिक टेबल में ग्रुप में जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे हमें पता है एटॉमिक साइज़ क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा जो एटम का एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है एटम का साइज भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टूट बॉटम सपोज हाइड्रोजन था लिथियम था सोडियम था पोटेशियम था धीरे धीरे साइज़ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है मतलब एटम का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उसके ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम में जाते हैं एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज होता है उसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था तो न्यूक्लियर चार्ज भी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा इंक्रीज होगा नंबर ऑफ जो शेल होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं इसके पास एक ए इसके पास दो होंगे इसके पास तीन होंगे इसके पास क्या होंगे चार होंगे तो इससे शेल नंबर भी क्या हो रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहे हैं तो शेल नंबर मतलब आउटर मोस्ट शेल भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे एटम के तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज इंक्रीज होगा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उनके साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है नंबर ऑफ शेल जो होते हैं एटम के वो भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा क्या क्या हुआ देखो एटोमिक नंबर इंक्रीज हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटोमिक साइज उसकी वजह से इंक्रीज हुआ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और जो नंबर ऑफ शेल है वो भी क्या हो रहे है इंक्रीज हो रहे तो इसका रिजल्ट क्या होगा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा क्यों क्योंकि साइज़ क्या हो रही है एटम की इंक्रीज हो रही है जितनी साइज इंक्रीज होगी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टॉप टू बॉटम और डाउन टू द ग्रुप तो ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है टॉप टू बॉटम क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर के आउटर मोस्ट सेल के वो क्या करते हैं न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ़ इनर मोस्ट जिसने टाइटली हेल्ड करके रखा है और बाहर के जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं थोड़े से लूजली हेल्ड होते हैं और वो जो न्यूक्लियस का चार्ज है या अट्रैक्शन है उसे एक्सपेरियंस नहीं कर पाते उसका इफेक्ट क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट तो शील्डिंग इफेक्ट जैसे ऑर्बिटल का नंबर बढ़ता है इंक्रीज़ होता है और जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होने लगेगा डिक्रीज़ होने लगेगा तो क्या होगा द एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एटम की साइज़ क्या होगी टॉप टू बॉटम क्या होगी इंक्रीज होगी बिकॉज एटोमिक नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एक एग्ज़ाम्पल भी देख लो यहाँ पे मैंने लिखा भी है तो देखो एग्जाम्पल कौन सा लिखा है मैंने यहाँ पे लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है हाइड्रोजन को छोड़ देते ओके okay. तो देखो ग्रुप वन की बात हो रही है ग्रुप वन है तो ग्रुप वन की बात हो रही है टॉप टू बॉटम जब जाएंगे लिथियम से लेकर लास्ट मेंबर कौन होगा यहाँ पे सी होगा हर एक में क्या होता है नया सेल क्या हो रहा है यहाँ पे ऐड हो रहा है इसके पास एक था इसके पास दो हुए तीन चार पाँच छः से क्या हो, हो क्या हो रहा है आउटर मोस्ट जो शेल है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं एटोमिक नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है इसका रिजल्ट क्या हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा इंक्रीज़ होगा फ्रॉम लिथियम टू सीएस तो एटोमिक साइज अगर कंपेयर करेंगे तो लिथियम का स्मॉल होगा और सीएस का क्या होगा लार्जेस्ट होगा एस दोनों को कंपेयर करोगे तो लिथियम सोडियम को कंपेयर करोगे तो लिथियम छोटा होगा सोडियम थोड़ा बड़ा उससे कैल्शियम पोटेशियम थोड़ा बड़ा उससे आगे वाला थोड़ा बड़ा ऐसे क्या हो रहा है एटोमिक साइज क्या हो रहा है डाउन टू द ग्रुप क्या होगा इंक्रीज होगा तो चलो अभी ग्रुप में देखा अभी एक्रॉस पीरियड हमें देखना है कि क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा देखो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटोमिक साइज ऑफ इलेमेंट डिक्रीजेस इन द एटोमिक नंबर तो एटम का साइज क्या हो रहा है एटोमिक नंबर के साथ क्या होगा डिक्रीज होगा एटोमिक नंबर तो क्या है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला है इंक्रीज ही होने वाला है ओके okay. तो यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट क्या हो रहा है यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है एटॉमिक साइज क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा ये इंक्रीज हो रहा है ये क्या होगा डिक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज एलिमेंट का क्या होगा डिक्रीज होगा तो इसका रीजन सुन लो क्यों पीरियड में क्या हुआ टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ सॉरी uh, ग्रुप uh, में पीरियड में क्या होगा लेफ्ट टू राइट क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा इसका रीजन क्या है एज द एटमिक साइज इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है ग्रेजुअल इंक्रीज़ है क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ऐड हो रहा है जब हम यहाँ से यहाँ पर जाते तो एग्जाम्पल ही देख लेते सपोज ऐसे सोडो समझो सोडियम है मैगनीशियम है एल्यूमिनियम है और सिलीकॉन लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इसका नंबर है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो इनका शेल नंबर सेम रहता है सिर्फ क्या हो रहा है लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर सिर्फ एक से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ओके तो क्या होगा यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का टेक प्लेस इन सेम शेल तो सेम शेल में इसके भी थर्ड में हो रहा है इसके भी थर्ड में हो रहा है इसके भी थर्ड में इसके भी थर्ड शेल में क्या हो रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है चेंज एक से क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसीलिए जैसे हम मूव करेंगे एक्रॉस पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है वहां पे डिक्रीज हो रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे रिमेन्स द सेम तो थर्ड है, है इसका भी थर्ड है थर्ड है तो थर्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या है effect क्या होगा? यहाँ पे सेम ही रहेगा रिमेंस सेम वो चेंज नहीं हो सकता तो क्या होगा यहाँ पे इसका रिजल्ट होगा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा यहाँ पे इंक्रीज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड तो क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल को और टाइटली बाउंड करते तो उसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियस की तरफ क्या हो चुका है अट्रैक्ट हो चुका है तो थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा टाइटली हेल्ड करने की वजह से टाइटली बाउंड करने की वजह से इसी वजह से क्या होगा एटॉमिक रेडियस क्या होगी डिक्रीज़ होगी इन द पीरियड रिजल्ट इन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज़ उसकी वजह से एटम की साइज़ क्या होती है डिक्रीज क्योंकि न्यूक्लियस ने उसे क्या करके रखा है टाइटली हेल्ड करके रखा है तो जो एक्चुअल साइज़ होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम साइज़ हो रही है इसीलिए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज क्या होता है डिक्रीज होता है क्योंकि शेल नंबर सेम सेम है है इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करता है न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है उसकी वजह से साइज क्या होगी छोटी होगी तो कोई और एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं देखो अगर हम क्या कर रहे हैं किसी भी पीरियड में सेकंड पीरियड की बात करते तो सेकंड पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहला मेंबर होता है लिथियम लास्ट होता है फ्लोरीन हम इनर्ट गैसेस की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनर्ट गैसेस की बात नहीं कर रहे है. तो सेकंड में हम क्या है लिथियम से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं यहाँ पे फ्लोरिन नाइन तक जा रहे ओके okay, बाकी के सारे मेंबर बीच में होंगे तो लिथियम से जब हम फ्लोरिन तक जाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इसका एटॉमिक नंबर एटोमिक्री था इसका एटॉमिक नंबर नाइन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे ऐड होते जा रहा है लिथियम के बाद आएगा बेरेलीम फिर बोरॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरिन ऐसे बीच के मेंबर सारे प्रेजेंट होंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा एक क्या हो रहा है सेकंड शेल में क्या हो रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसका भी सेकंड शेल है इसका भी इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन क्या होगा 1s2 2s1 इसका क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव तो देखो यहाँ पे दूसरे सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वन इसके टू हो गए थ्री फोर फाइव सिक्स इसके सेवन मतलब सेल का नंबर सेम है सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है एक एक इंक्रीज हो रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होगा लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक मतलब लिथियम का इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज कम होगा फ्लोरीन का ज़्यादा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट सबके लिए सेम होगा क्योंकि सबका सेकंड ऑर्बिटल फील हो रहा है तो एटॉमिक साइज अगर हम कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक साइज़ जो होती है लिथियम की वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरिन तो ये हेलोजन है हेलोजन से ये है अल्कली मेटल तो अल्कली मेटल की जो होती है एटोमिक साइज़ क्या होती है लार्ज होती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न तो चलो अभी हमें एटॉमिक साइज़ देखनी है नोबेल गैसेस के लिए जिसे हम इनर्ट गैस कहते हैं या इसे हेलोजन हा, हेलोजन की नेक्स्ट जो फैमिली होती है हीलियम का ग्रुप उसके बारे में बात कर रहे ओके okay. तो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिव रीजन नोबेल गैसेस पर जे रिलेटिवली लार्ज एटोमिक साइज़ तो इनकी एटोमिक साइज़ क्या होती है लार्ज होती है क्या हो रहा है यहाँ पे हम लेफ़्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो एटोमिक साइज़ क्या हो right? रही है लेफ्ट टू राइट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ये बातें याद रखनी ओके लास्ट में मैं आप लोगों को एक चार्ट बना के दूंगी उसमें सब कुछ आ जाएगा तो याद रखने के लिए इजी हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन है ये कहाँ तक हो रहा है हेलोजन फ्लैम फैमिली तक लेकिन जो लास्ट की फैमिली जिसे हम क्या कहते हैं नोबेल गैस जैसे कि है नियोन है न्योने है उसके बाद क्रिप्टोन है क्रेप्टोने है ऐसे जो एलिमेंट्स है लास्ट के इसका ग्रुप कौन सा है एटीन ग्रुप है तो ग्रुप एटीन इनड गैसेस इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो नोबेल गैसेस का एटॉमिक साइज क्या होता है रिलेटिवली लार्ज होता है इनका एटॉमिक साइज ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा है दो मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो नोबेल गैसेस क्या होते हैं हैव कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस सेल तो इनका वैलेंस सेल है मतलब आउटर मोस्ट जो सेल है वो कम्प्लीटली फील्ड है सिर्फ किसका छोड़ के हीलियम तो हीलियम क्या करता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है बाकी सारे क्या कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके लास्ट सेल को क्या कर रहे हैं कंप्लीटली फिल कर रहे ओके देर इज़ वैलेंस शेल कंटेन एट इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एट और इसके कितने होते हैं टू इलेक्ट्रॉन तो दोनों भी कंप्लीट है अभी वैलेंस शेल में क्या है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करते हैं एक्सपीरियंस द ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो देखो अगर हम अर्गॉन की बात करें तो अर्गॉन के पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन है दूसरे सेल में एट इलेक्ट्रॉन है।, है एट इलेक्ट्रॉन टू एट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन है उसका एटीन नंबर है उसका ओके तो क्या हो रहा है देखो ये सेल और ये सेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे रिपेल करेंगे तो यहाँ पे भी एट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी एट इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या है ऐसे समझो कि टग ऑफ वॉर हो रहा है और दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर है तो क्या होगी यहाँ पे ये यह जो फाइट होती है वो कैसी होगी थोड़ी सी इफेक्टिव होगी तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि लास्ट सेल में भी एट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी एट इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन भी क्या होगा यहाँ पे हायर रिपल्शन होगा इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में तो ये रिपल्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ये भी क्या होता है ग्रेटर होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है ये जो न्यूक्लियस है एटम को इसे हेल्ड करके या बाउंड करके नहीं रख सकता क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनकी इनको क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं दूर रख रहे तो इसके वजह से क्या होती है एटोमिक रेडिया यहाँ पर क्या होती है इंक्रीज होती है और इसके वजह से एटोमिक साइज़ भी क्या होता है इंक्रीज होता है इन नोबेल गैसेस इसीलिए नोबेल गैसेस का क्या होता है एटोमिक साइज़ क्या होता है यहाँ पे हाइयर होता है या फिर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इट कंटेन द एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल और शेल मोर इलेक्ट्रॉन रीज़न दे हैव और ग्रेटर गैसेस की बात हो रही और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स बुक का एक्सप्लेन द फॉलोइंग करके द एटोमिक रेडिया ऑफ क्लोरिन आयोडिन ब्रोमिन दी उन्होंने एटोमिक रेडिया क्लोरीन के उनका कहना है नाइन्टी नाइन पिकोमीटर है इसकी वन थर्टी थ्री और इसकी वन वन फोर पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों अगर हम देखेंगे हेलोजन में तो क्या होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे इनके नंबर है तो क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम क्या हो रही है यहाँ पे एटॉमिक जो रेडिया है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है रेडिया इंक्रीज हो रही है तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है एटोमिक रेडिया इंक्रीज हो रही है पहला मेंबर होगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे याद रखना है इन्होंने ये पहले ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए लेकिन ब्रोमीन पहले आएगा पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होगा देखो यहां पे क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन बिलोंग्स टू द हेलोजन फैमिली तो ये हेलोजन फैमिली uh, को क्या करते सेवेंटीन ग्रुप को बिलोंग करते इन पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वी मूव फ्राम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप क्या होता है पीरियोडिक टेबल में न्यू शेल क्या होता है एड होता है मतलब फ्लोरिन से क्लोरिन के पास एक शेल ज़्यादा होगा क्लोरिन से ब्रोमिन के पास एक शेल ज़्यादा होगा ब्रोमिन से आयोडीन के पास क्या होगा एक शेल ज़्यादा होगा तो अब सपोज़ फ्लोरिन का एटमिक नंबर नाइन है तो इसके पास तो दो शेल है तो क्लोरिन के पास कितने शेल हो जाएंगे तीन होंगे ये ब्रोमिंग के पास कितने होंगे यहाँ पे चार होंगे आयोडिन के पास कितने होंगे यहाँ पे चार से ज़्यादा हो गया ऐसे क्या हो रहा है जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे जो शेल नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है क्यों क्योंकि नया नए इलेक्ट्रॉन नए शेल में क्या होंगे यहाँ पे ऐड होंगे तो शेल क्या होंगे ऐड होता जाएगा फ्रॉम द इन द एटम इसका रिजल्ट क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके लिए लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है तभी ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सील्डिंग इफेक्ट आप लोगों को समझ में आएगा ये क्या होगा डिक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा क्यों बिकॉज एटम की साइज क्या हो रही है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एक सेल से इंक्रीज हो रही है ओके तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज़ होगा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है जब एटम की साइज़ क्या है बढ़ती जाती है न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा तो क्या हो गया जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर के शेल के वो क्या करते हैं इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को फील नहीं कर पाते उतना मतलब न्यूक्लियस उसे इसे हेल्ड करके नहीं रख सकता न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितना हेल्ड करके रख सकता है उतने आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता क्योंकि आयोडीन के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो चुका है यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है इसीलिए क्या होगा जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में जो एटोमिक रेडिया हो होती है इंक्रीज होती है तो यही रीज़न है कि क्लोरिन का सबसे कम होगा क्लोरिन सबसे कम उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा ब्रोमीन का और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा आयोडीन का इसका 99 पिकोमीटर इसका 114 पिकोमीटर इसका 133 पिकोमीटर है पिकोमीटर तो इसी रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडिया इंक्रीज़ हो रही है क्यों बिकॉज जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रही है इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा क्योंकि क्या हो रहा है नया शेल ऐड हो रहा है और इसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के इनर मोस्ट के ये इनको क्या कर रहे हैं न्यूक्लियस तक न्यूक्लियस को ऐसे उन्होंने शील्ड करके रखा है न्यूक्लियस के इफेक्ट को इन तक इन तक पोस्टने ही नहीं देते तो ये जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो क्या है जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है उसे फील नहीं कर पाते इसीलिए क्या होती है साइज बढ़ जाती है अगर न्यूक्लियस ने उन्हें पकड़ के रखा होता तो साइज छोटी होती लेकिन न्यूक्लियस उनके पकड़ के नहीं रखता इसीलिए साइज क्या हो रही है यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाओगे इंक्रीज होगी इसीलिए एटोमिक रेडिया भी ऐसे होती है एटोमिक रेडिया क्या होती है जो यहाँ से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है सेकंड हमें देखना है आयोनिक रेडियस क्या होती है आयोनिक रेडियस से पहले हमें आयन पता होने चाहिए हमें पता है दो टाइप के आयन होते हैं कैटायन एंड एनायन तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैटायन और एनायन फॉर्म कैसे होते तो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन और एनायन मतलब निगेटिव चार्ज आयन तो इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सबसे पहले हमें देखना है तो क्या होगा देखो यहाँ पे कैटाइन की बात करते हैं या इसे पॉजिटिव चार्ज आयन भी कहा जाता है मैं यहाँ पे लिखी देती हूँ पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर और इस पर होता है निगेटिव चार्ज तो कैटाइन कैसे फॉर्म होता है जब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं रिमूव होते तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या होता है ये फॉर्म होता है किसी ने इलेक्ट्रॉन इसके क्या कर लिए गेन कर लिए एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं कैटाइन फॉर्म होते है और जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज आते एनआईन कब फॉर्म होता है एनआन मतलब निगेटिव चार्ज आयन ये फॉर्म होता है जब इलेमेंट क्या करता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन को एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को और जितने इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा उतने नंबर ऑफ इस पर निगेटिव चार्ज जैसे सोडियम पे वन प्लस चार्ज है इसका मीनिंग क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए मतलब डोनेट किए किसी और को ओके क्लोरीन इस पर एक माइनस चार्ज है मतलब क्या किया है इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है गेन किया है मैग्नेशियम पे टू प्लस चार्ज होता है मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है लूज़ किया है नाइट्रोजन oh, पे माइनस थ्री चार्ज होता है मतलब इसने तीन इलेक्ट्रॉन को क्या किया है गेन किया है तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का क्या होता है मीनिंग कैटाइन का फॉर्म होता है जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ये ऐसे मेटल की टेंडेंसी होती है कैटाइन फॉर्म करने की एनाइन कब फॉर्म होता है जब इलेमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करते गेन करते हैं इसकी किसकी होती है जनरली नॉन मेटल की होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की तो कैटाइन और एनाइन ऐसे फॉर्म होते हैं और इनको ही हम आयंस हैं, दोनों को कैटाइन और एनाइन को अभी हमें देखना है कि आयोनिक रेडियस क्या होता है आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिफाइन आयोनिक रेडियस तो डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी आयोनिक रेडियस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस मतलब कोई भी आयन हो तो उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इसे क्या कहा जाता है आयोनिक रेडियस न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक जितना डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है आयोनिक रेडियस अभी तक हमने देखा कि जो आटोमिक रेडियस है और आयोनिक रेडियस है उसे एक्सप्रेस किया जाता है एक दो यूनिट यूज होते एक यूनिट होता है एंगस्ट्रॉन्ग या फिर दूसरा यूनिट होता है यहाँ पे पिकोमीटर कहा जाता है तो मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ कि इनका रिलेशन क्या है वन एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है इज इक्वल टू होता है टेन रेज टू माइनस टेन मीटर ये आइटम है बहुत स्मॉल है हमें आंखों से दिखते भी नहीं है इसीलिए क्या है इनका जो होगा रेडियस वो बहुत कम होगा तो इसका कितना होता है टेन रेज टू माइनस टेन मीटर वन एंगस्ट्रॉन्ग और वन पिकोमीटर कितना होता है वन पिकोमीटर होता है टेन रेस टू माइनस ट्वेल्व मीटर तो ये होगा इनका रिलेशन ये दोनों यूनिट यूज़ होते हैं टू एक्सप्रेस द आयोनिक एंड एटॉमिक रेडियस इसे एंगस्ट्रॉग यूनिट कहा जाता है इसे पिकोमीटर वन एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू टेन रेज टू माइनस टेन मीटर और वन पिकोमीटर क्या होता है टेन रेस टू माइनस ट्वेल्व मीटर होता है तो चलो अभी हमें क्या करना है आयोनिक रेडियस देखनी है कैटैन और एनइन के लिए दोनों के लिए देखेंगे हम उनके पेरेंट्स के साथ भी कंपेयर करेंगे मतलब जिनसे वो बने उनके साथ भी हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो विथ एग्ज़ाम्पल ही देखते क्या होगा यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैग्नेशियम ट्वेल्व क्या इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रग्रेशन होगा इसका टू एट टू और यहाँ पे दूसरा ले रही हूँ मैं कोई भी लिया तो भी चलेगा क्लोरीन लेती हूँ सेवनटीन टू एट सेवन ओके ये इनके पेरेंट हैं इसने क्या किया दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो ये बन गया एम टू प्लस और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये बन गया सी माइनस नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज टू एट एट इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटर मोस्ट सेल में रख दिया इसने लास्ट सेल के दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया अभी लूज कर दी तो ये दोनों क्या है इन दोनों के पेरेंट हुए इनसे ये फॉर्म हुए ना तो ये पेरेंट है और ये है कटायन. ये भी पैरेंट है किसका एनायन का और ये है एनायन चलो अभी बात करते हैं इसके बारे में तो कभी कभी क्वेश्चन आता है reason, क्यों होता है ये हमें रीजन में बताना है तो देखो क्या होगा कैटाइन की बात करते हैं पहले तो कैटाइन में क्या होगा कैटाइन कैसे फॉर्म होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है यहाँ पे कैटाइन फॉर्म होता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करते एलिमेंट लूज करते तो यहाँ पे दो है एग्जाम्पल है ओके तो क्या होगा ये जो पेरेंट एटम है क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहेगा इसके न्यूक्लियस पे जितना चार्ज था इसके न्यूक्लियस पे क्या होगा सेम होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पेरेंट का और कैटाइन का सेम ही होता है सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है वो डोनेट कर रहा है किसी और को दे रहा है तो इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो सेम ही रहेगा तो क्या होगा यहां पे जो रेडियस होती है न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा तो इसका क्या होगा शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पे लेस होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा यहाँ पे लार्ज होगा इन द क्यों क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वो तो इसने लूज कर दिए डोनेट कर दिए तो क्या था इसका ऐसे था देखो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर तो यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे दो थे और यहाँ पे दो थे तो इन दो इलेक्ट्रॉन को वैसे भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है फील ही नहीं हो रहा था एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था इसने क्या कर दिया है जब एम जी प्लस फॉर्म हुआ तो इस सेल को ही निकाल दिया है यहाँ के इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहे तो इतना ही तो यहाँ पे क्या होगा अभी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा इंक्रीज होगा क्यों क्योंकि लास्ट सेल रहा ही नहीं उसने वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए डोनेट कर दिए तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे स्मॉल हो होगी एज कंपेयर टू द पेरेंट पेरेंट की रेडियस बड़ी थी कैटाइन की रेडियस क्या हो गई कम हो गई क्यों क्योंकि उसने क्या कर दिया अपने लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही है शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस होगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इनकी वजह से था इन पे था लास्ट सेल पे तो वो रही है नहीं अभी तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा यहाँ पे कैटाइन पे इंक्रीज होगा और रेडियस क्या हो जाएगी कैटाइन की स्मॉलर होंगी एज कंपेयर टू पेरेंट्स एन एन की बात करते हैं एन एन कैसे फॉर्म होतेट्रॉन थे इलेक्ट्रॉन थे इसके पास है. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हुए यहाँ पे क्या हो रहे हैं इनक्रीज हो गए तो पेरेंट से क्या होते हैं इसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते कैटाइन के पास ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है एड हो रहा है एक्सपीरियंस करता है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो पहले तो क्या था इसके आउटर मोस्ट सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे देखो कितने एट लास्ट के इसमें कितने थे थ्री फाइव सिक्स सेवन थे ओके अभी और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है तो यहाँ पे देखो मैं ऐड हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाती हूँ एट तो क्या हुआ पहले सेवन और एट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन था अभी एट एट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है तो रिपल्शन इसका क्या हुआ है बढ़ चुका है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर जो कर रहे हैं और रिपल्शन क्या होगा इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वैलेंसियल में इंक्रीज़ हो रहे तो इसके वजह से क्या होगा ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे लेस एक्सपीरियंस करेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा उसका क्या कितना है तो इसकी वजह से जो एनआइन एक्सपीरियंस करते इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसका रिज़ल्ट क्या होता है इनके पेरेंट्स से इनका साइज़ क्या होता है बढ़ जाता है सात और आठ का रिपल्शन था पहले अभी आठ और आठ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन तो साइज भी क्या हो जाएगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा न्यूक्लियस इसे ऐसे होल्ड या बाउंड करके नहीं रख सकता और थोड़ा सा इंक्रीज होगा इसीलिए जो पेरेंट्स होते हैं आइन के उनसे जो होते हैं क्या एन वो क्या होंगे साइज में बड़े होंगे और यहाँ पे साइज में क्या होंगे छोटे होंगे तो चलो अभी हमें देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते क्या है कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस तो ये एक, एक स्पेसिस होते क्या है ये तो क्या हो सकते एटम्स हो सकते और आयंस हो सकते एटम्स होंगे या फिर आयंस होंगे विच हैव जिनके पास क्या होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको क्या कहोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का uh, कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस विद एग्जाम्पल तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस किसे कहेंगे एन ए प्लस उसके बाद एम जी प्लस प्लस उसके बाद न्यून ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कैसे देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था टू एट वन बट प्लस चार्ज है मतलब इसने लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है लूज़ कर दिया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन था टू एट टू दो प्लस चार्ज है मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया और ये न्यू है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है टू एट इसका इलेवन नंबर था इसका ट्वेल्व था इसका टेन था तो देखो इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है ये एटम है ये दो आयन है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनको क्या कहोगे इनको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ऐसे होते चलो इस पर हमें बहुत सारा डिस्कशन करना है अभी क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस वैरी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मतलब क्या है उनके आउस्टर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है ओके okay. फिर भी क्या हो रहा है उनका साइज क्या हो रहा है वैरी हो रहा है अगर उनके इलेक्ट्रॉन सेम है तो साइज वैरी क्यों हो रहा है ऐसा क्वेश्चन है ओके okay. तो जो एटोमिक रेडिया है जो रेडियस होंगी उनकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की वो वैरी होती है ऐसा क्यों तो क्या है जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है सपोज यहाँ पे एन ए प्लस है एफ माइनस है दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस लिए इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रगेशन था टू एट वन बट इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अभी रह गया टू एट ओके और इसका इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन था टू सेवन था लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका भी हो गया टू एट तो दोनों क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन न्यू जैसा हो चुका है ओके अभी इन दोनों की बात करते हैं एग्जाम विथ एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज था और इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज था वो भी देख लो इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज था जितना एटॉमिक नंबर उतना चार्ज इसके पास था इलेवन और इसके पास था नाइन आउटर मोस्ट सेल में इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया इसलिए क्या हो गए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए बट न्यूक्लियर चार्ज दोनों का क्या है अलग अलग है दोनों के पास टेन टेन इलेक्ट्रॉन है बट फ्लोरीन के न्यूक्लियस पे प्लस नाइन चार्ज है और इसके न्यूक्लियस पे प्लस इलेवन चार्ज है इसीलिए फ्लोरीन की जो आयोनिक रेडियस होती है वो होती है वन थर्टी थ्री पिकोमीटर और सोडियम की होती है नाइन्टी एट पिकोमीटर ऐसा क्यों अभी हमें देखना है ये हम बात कर रहे हैं रेडियस की तो क्या होगा यहाँ पे दोनों के पास इलेवन इलेवन इलेक्ट्रॉन है ओके इसका न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है प्लस नाइन और इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है प्लस टेन चार्ज प्लस इलेवन चार्ज सॉरी ओके तो क्या होता है इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक लार्ज न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्ट द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बिकम स्मॉल तो देखो ये जो सोडियम है इसके न्यूक्लियस में प्लस इलेवन चार्ज है तो प्लस इलेवन चार्ज इलेवन पर्सन उसे खींच रहे बाहर के इलेक्ट्रॉन को और ये जो फ्लोरिन था इसके न्यूक्लियस पे प्लस नाइन चार्ज है यहाँ पे नाइन लोग खींच रहे थे इसे समझो तो किसका खिंचाव ज्यादा होगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी छोटी होगी और इसकी साइज क्या होगी बड़ी तो क्या है न्यूक्लियस क्या कर रहा है न्यूक्लियस के पास इलेवन मेंबर है ऐसे समझो प्लस इलेवन चार्ज है तो इलेवन मेंबर करके उसके आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन को खींच रहे मतलब क्या करेंगे ज़्यादा बाउंड करेंगे न्यूक्लियस की तरफ यहाँ पे 9 ही मेंबर है नाइन मेंबर क्या कर रहे हैं यहाँ पे खींच रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा कम होगा तो यहाँ पे क्या होगी इसकी साइज़ थोड़ी स्मॉल हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा मेंबर है न्यूक्लियस में उन्होंने क्या किया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचा और इसकी साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या होगी लार्जर होगी तो यहाँ पे देखो वैसे ही दिख रहा है सोडियम का जो होता है रेडियस 98 पिकोमीटर और उसका होता है 133 पिकोमीटर जब भी आयन फॉर्म होंगे तो आपको क्या करना है न्यूक्लियस पे चार्ज देखना है जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी साइज छोटी जिसका चार्ज कम उसकी साइज बड़ी ये बात क्या करनी है याद रखनी चलो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने तो एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन uh, द ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन द एटोमिक साइज इन द फॉलोइंग स्पेसिस तो पहला एग्जाम्पल दिया है उन्होंने एन ए प्लस एम जी टू प्लस और ए एल थ्री प्लस ये तीनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है ओके okay. अभी हमें बताना है तो इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा प्लस इलेवन इसके न्यूक्लियस पे प्लस ट्वेल्व इसके न्यूक्लियस पे प्लस थर्टीन तो मैंने क्या बताया जितना न्यूक्लियस पे चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतना क्या होगा एटॉमिक जो रेडियस होगी उतनी क्या होगी छोटी तो इन तीनों को कंपेयर करोगे तो देखो इसके न्यूक्लियस पे इलेवन चार्ज है इसके और एक दिया है, हा? मैं भूल गई लिखना फोर प्लस तो इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस पे प्लस फोर्टीन चार्ज है. ओके okay. तो देखो क्या होगा सोडियम की साइज सबसे बड़ी होगी उससे थोड़ी छोटी साइज होगी Mg2+ टू प्लस की उससे छोटी साइज होगी ए एल थ्री प्लस की और उससे छोटी साइज होगी एटॉमिक रेडियस सिलिकॉन की क्यों न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस उतनी कम होगी न्यूक्लियर चार्ज इलेवन है ट्वेल्व है थर्टीन है फोर्टीन है इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है सबसे कम है एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी इलेवन मेंबर खींच रहे ट्वेल्व में थर्टीन खींच रहे फोर्टीन खींच रहे, रहे तो इसकी साइज क्या होगी छोटी जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज उतने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अट्रैक्ट करके रखेंगे बाउंड करके रखेंगे अपने पास तो क्या हो रहा है इसका उतना साइज छोटा होगा तो इनका ये सिक्वेंस होगा ओके okay. दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यहाँ पे ओ टू माइनस एफ माइनस एन ए प्लस एंड एम जी प्लस एम जी टू प्लस तो देखो इसके टेन इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है ओके इसका ये हम इलेक्ट्रॉन है और ये चार्ज लिख रहे हों न्यूक्लियस का चार्ज इसके पास कितना है एट है इसके पास नाइन है इसके पास टेन है नहीं टेन नहीं एलेवन है और इसके पास ट्वेल्व है एटॉमिक नंबर है इनके उतना ही क्या होता है न्यूक्लियस पे चार्ज होता है तो इनके बीच में क्या होगा देखो अभी जो एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज होगा इन इन चारों को कंपेयर करो अभी दो कैटाइन और दो एनआईन दिए उन्होंने देते व्यक्ति मिक्स करके दिया है अमॉन्ग द गिवन आयंस न्यूक्लियर चार्ज वैरी बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है बट क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे सेम है इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस भी कह सकते हैं हम Osionfish. तो क्या होता है इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है वैरी होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से रेडियस क्या होती है यहाँ पे वैरी होती है जितना जार्ज न्यूक् जितना लार्ज न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना क्या होगा ग्रेटर अट्रैक्शन होगा ऑन द न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बिकम स्मॉल तो उसकी साइज़ क्या होती है उतनी छोटी हो जाती है तो इन चारों में सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है इसके पास है छोटा सबसे बड़ा इसके पास है मतलब इसके ट्वेल्व मेंबर खींच रहे तो साइज थोड़ी छोटी होगी इसके इलेवन मेंबर थोड़ी बड़ी नाइन मेंबर थोड़ी बड़ी एट मेंबर तो यहाँ पे ये ऐसे होगा ओ टू माइनस की क्या होगी साइज थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एटी मेंबर है बाहर के इलेक्ट्रॉन को एट मेंबर खींच रहे तो ज्यादा नहीं खींच सकते इसके पास नाइन है इसके पास टेन है इसके पास ट्वेल्व है सबसे ज्यादा है तो क्या हो रहा है साइज और छोटी हो रही है तो यहां पे क्या होगा इसकी साइज सबसे बड़ी होगी उससे छोटी इसकी होगी उससे छोटी इससे होगी तो साइज क्या होगी ऐसे डिक्रीज होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग आयोनिक रेडिया एफ माइनस की है उन्होंने कहा कि वन थर्टी थ्री और यहाँ पे एन ए प्लस की है नाइनटी एट पिकोमीटर ऐसा क्यू है ऐसे पूछा है उन्होंने दोनों भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज है तो देखो फ्लोरिन के पास टेन इलेक्ट्रॉन है एन प्लस के पास टेन इलेक्ट्रॉन है चार्ज कितना होगा इनके पास इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने इसके पास नाइन चार्ज होगा इसके पास इलेवन चार्ज होगा तो यहीं पे बातें क्लियर हो गई इसके न्यूक्लियस में प्लस इलेवन चार्ज है तो क्या होगा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा साइज छोटी कर देगा फ्लोरिन के जो न्यूक्लियस है उसमें कितना है प्लस नाइन चार्ज है तो नाइन मेंबर खींचेंगे और साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो इसका साइज़ क्या होगा बड़ा होगा इसका छोटा होगा इसलिए इसका वन थर्टी थ्री पिकोमीटर इसका नाइन्टी एट पिकोमीटर तो यहाँ पे जितना ज़्यादा क्या होगा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतनी क्या होती है एटम की साइज़ छोटी होती है नेक्स्ट उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला है एन को और एन प्लस को तो इसका इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास न्यूक्लियर चार्ज 11 है इसके पास भी न्यूक्लियर चार्ज 11 है तो हमने देखा था पेरेंट और जब जो पेरेंट्स कैटन और उनके पेरेंट्स होते हैं उनको जब हम कंपेयर करते तो क्या होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इज सेम न्यूक्लियर चार्ज दोनों पे 11 11 है न्यूक्लियस पे क्योंकि दोनों सेम ही है सिर्फ इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये फॉर्म हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब आउटर मोस्ट शेल भी कम हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था टू एट वन इसका बन गया है टू एट शेल क्या हो गया है यहाँ पे कम हो गया तो यहाँ पे कौन लार्ज होगा साइज में एन क्या होगा लार्ज होगा और एन प्लस क्या होगा स्मॉल होगा साइज़ में ऑलरेडी मैंने क्या टेन एन दोनों का एक्सप्लेन किया है दूसरा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने यहाँ पे एन को हमें एम के साथ क्या करना है कंपेयर करना है इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है अगर चार्ज की बात करें तो इसके न्यूक्लियस पे इलेवन चार्ज है इसका एटोमिक नंबर इलेवन है इसके न्यूक्लियस पे ट्वेल्व चार्ज है तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी क्या होती है यहाँ पे स्मॉल साइज होती है तो क्या होगा यहाँ पे जो एन प्लस होगा उसका लार्ज रेडियस होगा और इसका क्या होगा स्मॉल होगा क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है ऐसे ही याद रखना है नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एफ प्लस और एफ ही थ्री प्लस को कंपेयर करो ओके तो इसका जो आ, ये भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस तो एफ ई टू प्लस मतलब ट्वेंटी सिक्स नंबर है तो इसके पास ट्वेंटी फोर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं ट्वेंटी फोर में है और इसके पास ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पे चार्ज सेम है इसके भी ट्वेंटी सिक्स है इसके भी ट्वेंटी सिक्स है तो एफ ई टू प्लस की क्या होगी साइज़ लार्ज होगी क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास कम है उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है उन्होंने हमें बोला है एम जी टू प्लस और सी ए टू प्लस को कंपेयर करो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो टू एट वन था और यहाँ पे क्या है टू एट एट और इसके न्यूक्लियस पे ट्वेल्व चार्ज है इसके न्यूक्लियस पे ट्वेंटी चार्ज है तो दोनों को कंपेयर करोगे तो कैल्शियम का क्या होगा जितना जो होगा साइज़ क्या होगा लार्ज क्योंकि अभी न्यूक्लियस चार्ज मत देखो अभी कब न्यूक्लियर चार्ज देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए न्यूक्लियर चार्ज देखना है अदरवाइज इसके पास दो है मतलब साइज देखते ही पता चलेगी एसी है और इसके पास तीन है तो अभी ये न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है क्योंकि शेल नंबर क्या हो चुका है इंक्रीज हो चुका है यहां पे तो ये जो हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज ये किसके लिए देखना है हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए देखना है सिर्फ ऐसे तो देखा जाए तो इसके पास दो ही शेल है इसके पास तीन शेल है तो इसकी साइज क्या होगी बड़ी होगी नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है कि हमें के प्लस और एल आई प्लस में बताना है तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है टू एट एट और इसका होता है सिर्फ टू तो देखो इसके पास वन टू थ्री शेल है इसके पास एक शेल है तो किसकी साइज़ बड़ी होगी ऑफकोर्स के प्लस की साइज़ क्या होगी बड़ी होगी और एल आई की क्या होगी स्मॉल होगी और एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने एन थ्री प्लस और एफ माइनस को हमें क्या करना है कंपेयर करना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन होगा अभी टू एट और इसका भी होगा टू एट ये क्या हो चुके अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस अभी इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन है अभी हमें क्या करना पड़ेगा चार्ज को देखना पड़ेगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होते हैं तब चार्ज को देखना पड़ता है तो इसके पास होगा इसका सेवन चार्ज होता है और इसका नाइन तो इसका नाइन चार्ज मतलब क्या होगा इसकी स्मॉलर साइज होगी जितना नंबर नम... क्या होगा न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा उतना क्या होगा साइज छोटी होती है तो ये, इसकी साइज क्या होगी यहाँ पे स्मॉलर होगी उल्टा किया मैंने और इसकी साइज क्या होगी लार्ज होगी और एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने हमें बताना है एम जी प्लस एम जी एम जी टू प्लस ए एल और ए एल थ्री प्लस के बीच में तो चलो देखते इलेक्ट्रॉनिक है इसका टू एट वन इसका टू एट इसका टू एट थ्री और इसका है टू एट तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं मतलब इनका चार्ज देखना पड़ेगा बाकी देखो सबसे बड़ी साइज़ किसकी होगी यहाँ पे एम जी और एल्यूमिनियम को कंपेयर करते पहले इन दोनों में देखो तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस क्या होती है डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी डिक्रीज होगी मतलब एल्यूमिनियम पहले आता है सॉरी मैग्नीशियम पहले आता है एल्यूमिनियम बाद में आता है तो अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो क्या होता है एटोमिक रेडियस डिक्रीज होती है मतलब इसकी बड़ी होगी और इसकी क्या होगी स्मॉल होगी तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे मैग्नेशियम आएगा फिर आएगा एल्यूमिनियम ओके okay. अभी इन दोनों को कंपेयर करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिस इसके न्यूक्लियस पे प्लस ट्वेल्व चार्ज है इसके न्यूक्लियस पे प्लस थर्टीन चार्ज यहाँ पे टू चाहिए था हा? तो प्लस थर्टीन चार्ज ओके तो देखो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतनी साइज क्या हो जाती है यहाँ पे छोटी हो जाती है ओके तो यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो साइज छोटी हो जाएगी तो इन दोनों में छोटी साइज़ किसकी होगी अभी इन दोनों में सबसे छोटी साइज़ ए एल थ्री प्लस की मतलब बड़ी किसकी होगी एम टू प्लस और सबसे छोटी होगी ए एल थ्री प्लस की तो ये सीक्वेंस ऐसे आएगा ओके तो इसे अच्छे से समझ लो क्या होगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड हेंस एटॉमिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम इज लार्जर देन एल्यूमिनियम इधर जाते वक्त क्या होगी डिक्रीज uh, होगी तो मैग्नीशियम पहले आता है तो इसकी ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम की कम होगी ओके पेरेंट एटम हैव लार्ज रेडियस दैन द करस्पॉन्डिंग कैटाइन कैटाइन में क्या होते हैं पेरेंट्स की साइज बड़ी होती है मतलब इन दोनों का ही नंबर पहले आएगा ये दोनों बाद में चले जाएंगे हेंस रेडियस ऑफ मैग्नेशियम इज लार्ज दैन दैट ऑफ एम जी टू प्लस एंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्ज दैन दैट दैन ए एल थ्री प्लस ये भी पता है अभी एम जी टू प्लस और ए एल थ्री प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें न्यूक्लियर चार्ज देखना पड़ता है इसके न्यूक्लियस पे था प्लस थर्टीन चार्ज इसके न्यूक्लियस पे था प्लस ट्वेल्व चार्ज तो एटॉमिक रेडियस ए एल थ्री प्लस की स्मॉल होगी और एम जी टू प्लस की क्या होगी लार्ज होगी तो ये सिक्वेंस ए से आएगा एम की क्या होगी सबसे बड़ी साइज होगी एटोमिक रेडियस उससे थोड़ी कम एल्यूमिनियम की उससे कम आएगी एम टू प्लस की और सबसे छोटी साइज होगी ए एल 3 की मतलब वाला वाला है है और uh, कौन पे AL 3 है. तो आज के लिए इतना ही था बच्चों आज हमने सिर्फ दो पॉइंट देखे पीरियडिक ट्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टी के एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए खुद का ख्याल रखिए नोट्स बनाइए और ये थोड़ा थेरोटिकल टॉपिक है एक दो बार क्या है अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके देखिए और सबसे पहला बात की जो स्क्रीनिंग है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसे अच्छे से समझ लीजिए अगर वो समझ में आए तो सब कुछ समझ में आएगा सो थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स